Hi, this is Chef Sanjeev Kapoor from the Yellow Chili Udaipur. People who come to Udaipur must visit the Yellow Chili and taste Indian food, which will remind people of the memories which they have had in their childhood. If they have never eaten Indian food, it will evoke emotions which they have never felt before. कि जहाँ पर बिजनेस बहुत अच्छा होता है, कुछ जगह ऐसी होती है कि जगह बड़ी अच्छी होती है, तो उदयपुर ऐसी जगह है कि जो जगह भी बड़ी अच्छी हो, बिजनेस भी अच्छा हो सकता है. तो ये ऐसी जगह बड़ी कम होती है कि मतलब कोई कहे कि अच्छा आपको ना कुछ काम के लिए स्विट्जरलैंड जाना है और उसके लिए हम इस तरह से करेंगे, तो आपको हम आना जाना देंगे, रहना खाना पीना उसके साथ में इतनी फीस देंगे. जब फीस नहीं भी देंगे ना तो भी चले जाएंगे अपनी. तो उदयपुर वैसी जगहों में से है कि जहाँ पर मतलब किसी से कहो ना कि उदयपुर है, तो हमारे जैसे टीम में से ही मतलब उदयपुर में रेस्टोरेंट खुलने वाला है, जितने हमारे शेफ है ना, सर मैं जाके आऊँ, मैं जरा देख के आऊँ वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो ये उदयपुर का कमाल है. तो बाकी ऐसे हमारे बहुत जगह रेस्टोरेंट हैं, लेकिन वहाँ जरूरी नहीं है कि मतलब सब लोग इतने उतावले हों जाने के लिए. तो जितने उदयपुर वाले हैं, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि वो ऐसी जगह पे रहते हैं और किस्मत अच्छी और मतलब देखिए हमारी तो किस्मत इतनी अच्छी है कि हम कल शाम को पहुँचे तो उसके बाद में यहाँ का जो मौसम है वो इतना मज़ेदार मौसम. और तब जितने लोगों मिल रहे थे होटल वगैरह में भी कहते कि आप हमारे लिए अच्छा मौसम लेके आए हैं. अरे मैं कहा नहीं, उदयपुर तो मैं जितनी बार आया हूँ तो ऐसे ही मौसम में आया हूँ, ऐसा ही होता है हमेशा. कहते हो सकता है जब भी आप आते हो ना आप ज्यादा आया कीजिए फिर. चलिए कोई बात नहीं, कभी कुछ ये चीज मैं ध्यान रखूँ. बट वाकई मतलब यहाँ के मुझे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने आप अगर ठीक हो जाए, जैसे कि हमारे आते मौसम भी ठीक हो जाए तो फिर रेस्टोरेंट तो अपने आप ही चलेगा. रेस्टोरेंट की तो कोई टेंशन है ही, रेस्टोरेंट तो अच्छा चलेगा ही चलेगा. वैसे राजस्थान की बात करी जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर आप जयपुर की बात करें तो मतलब राजस्थान में जयपुर तो पूरी दुनिया में मशहूर है. लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको जैसे अभी बात हो रही थी कि आपने जयपुर जो है वहाँ पर नहीं खोला येलो चिली उदयपुर में, तो देखिए जयपुर जो है ना, जयपुर सोने जैसा है जो सबके लिए अवेलेबल है. उदयपुर हीरे जैसा है, वो कुछ पारखियों के लिए. तो हम ये कहेंगे कि उदयपुर के जो पारखी हैं उनके लिए येलो चिली है. और अब यहाँ से शुरुआत हुई और बाकी जगह ज़रूर पहुँचेंगे हम. और अच्छी बात यह है कि हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं उनके साथ में जब से ही रेस्टोरेंट साइन किया था उसके साथ में काफ़ी कंफर्ट पहली मीटिंग में ही हमारी टीम का हो गया. उसके बाद में फिर मैं भी जब मिला तो मुझे लगा कि अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जहाँ भी हम रेस्टोरेंट खोलते हैं तो हमारे मतलब रेस्टोरेंट एक बहुत सारे बिजनेस हैं, हमारा टीवी चैनल है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, कुकवेयर है, उसमें दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसमें जो करते हैं उसमें कोई और कुछ नहीं गड़बड़ हो सकती. रेस्टोरेंट वाले में सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि आपने उदयपुर में रेस्टोरेंट खोला वहाँ नमक तेज हो गया. क्या संजीव कपूर आपने क्या किया. तो इससे बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो उनका पैशन वैसे ही हो. तो बहुत खुशी की बात है कि हम उदय के साथ में जुड़े, क्लार्क सिद्धार्थ सब लोग अपने कुछ बहुत ज़रूरी अपनापन होना तब जाके खाना अच्छा बनता है. वो ज़रूरी है कि वो जो अपनापन है, वो परिवार जो है वो पूरा का पूरा, चाहे वो रेस्टोरेंट के किचन में जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जो बाकी रेस्टोरेंट में स्टाफ काम कर रहा है, तो जब आए कोई तो कोई मुस्कुरा के किस तरह से मिल रहे हैं, किस तरह से बातचीत कर रहे हैं. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी हमारी टीम होती है उनको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि देखो कि जहाँ पर भी हम रेस्टोरेंट खोलते हैं, हमें जो सबसे बड़ी ट्रेनिंग
देते हैं अपने पूरी टीम को, वो ये कि मैं कहता हूँ कि देखिए जब पहली बार लोग आएंगे ना वो मेरे नाम की वजह से आएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो आए पहली बार मेरे नाम की वजह से, लेकिन जब बाहर जा रहे हो तो मेरा नाम भूल जाना चाहिए, आप लोगों का नाम याद रहना चाहिए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हैं, जो पार्टनर्स हैं हमारे, वो उस बात में विश्वास रखें, तभी रेस्टोरेंट बिजनेस सक्सेसफुल होता है। हमारे करीब 70 के करीब रेस्टोरेंट्स पूरी दुनिया में हैं अलग अलग ब्रांड्स के। और अच्छी बात यह है कि जिन पार्टनर्स के साथ में हम काम करते हैं उनके साथ में और रिलेशनशिप ग्रो कर लेते हैं। जैसे उदयपुर में हमने येलो चिली किया, तो उदय के साथ में हम एक हमारा और ब्रांड है हांगकॉक, वो हम दुबई में कर रहे हैं चाइनीज पैनिशन फूड का। सिग्नेचर बाय संजीव कपूर एक बार एकदम जो हाई एंड ब्रांड है वो हम इनके साथ में कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में कर रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि इनके साथ में जो इनके पूरे ग्रुप के चेयरमैन हैं वहाँ के, वो भी आज आए हुए हैं मिस्टर हैदरी यहाँ पर अपने परिवार के साथ में। उनको भी यही था उदयपुर में चलो मैं भी आता हूँ। सो उदयपुर हैज दैट मैजिक, उदयपुर इज दैट। और ये अभी हम मजाक कर रहे थे, मैं बहुत रेस्टोरेंट्स हमारे हैं और बहुत जगह जाता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि सब जगह हमारे लोग उतना जाएं। अब हमारे लोगों में मतलब कि हमारे जो परिवार वाले हैं, मेरी वाइफ भी आज आई हुई है, वो इतना ही नहीं कि हमारे जो सीईओ हैं राजीव मार्टा वो भी आए हैं, उनकी वाइफ भी आई है। तो ये उसमें बाकी उदयपुर का कमाल है, लेकिन उसके साथ में हमारे जो होस्ट हैं उनका थैंक यू उदयपुर। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट करना, राजस्थान में रेस्टोरेंट करने का मजा भी बहुत है, चैलेंज भी बहुत बड़ा है। चैलेंज किस बात का? रेस्टोरेंट बिजनेस खाने का बिजनेस नहीं है, रेस्टोरेंट बिजनेस आतिथ्य का बिजनेस है। अब आतिथ्य और बिजनेस दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं? हॉस्पिटैलिटी में हम कस्टमर नहीं कहते, हम गेस्ट कहते हैं। और अगर गेस्ट की जो असली परिभाषा है वो दुनिया में कहीं समझ आती है तो वो राजस्थान में समझ आती है। ऐसे में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें सारी चीजें अच्छी करनी पड़ेंगी। तो एक जो चीज मैंने हमारी जो कोर टीम है उनसे कहा कि भाई देखो ऐसा है कि आप जब उदयपुर में जाओ, आपको इतने आपने रेस्टोरेंट खोले, लेकिन फिर भी एक जो चीज हमें वहां से सीखनी है वो है वहाँ का आतिथ्य, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी। तो हम जब इस सिटी में जा रहे हैं रेस्टोरेंट खोलने के लिए तो हाथ जोड़ के जाएंगे कि हम सीखने आए हैं यहाँ पे, कि ये जो है और ये हम यहाँ से क्या सीख के पूरी दुनिया में ले जा सकते हैं, ये हमें यहाँ से सीखना है। तो कल हम रात को घूम रहे थे तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मिठाई की दुकान है, JM भी बड़ी फेमस है, चलो रुक जाए। तो वहाँ पर हम रुके तो उनके ओनर जो है, अरे अरे सर अरे आपने तो येलो चिली यहाँ पर बुला रखा, आप गए हैं बहुत अच्छा है। मैं कैसे पता चला, मैंने हमको कुछ इतना बताया, कहते नहीं सर हमारी दुकान पे कुछ 10-12 लोग हर संडे को कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट पे जाते हैं और हर संडे को आते हैं, आज भी मैं उन्हीं की वेट कर रहा हूँ। उन्होंने बताया था लास्ट संडे को कि वहाँ जाके आप बहुत बढ़िया है, और तो मैं गया था, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो एक चीज़ मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, मैं तो यहाँ पे होऊंगा नहीं, पर आप लोगों की जितने यहाँ पर अच्छा काम करने वाले हैं, ये जो रेस्टोरेंट है क्योंकि ओनर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप सबकी है कि यहाँ पर कुछ भी हो तो ये आपको देखना है कि ये सब अच्छे से हो। कहते हैं जरूर उसी तरह से हम एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए, वहाँ के शेफ वगैरह, तो मैं सब पूरे उदयपुर में सप्लीमेंट ड्यूटी लगाने वाला हूँ भैया कि आप लोगों का रेस्टोरेंट है, ये आपको देखना है कि किस तरह से यहाँ की शान बने। और खाने में हमेशा अगर कुछ अच्छा करना हो तो हमेशा सीखते रहना चाहिए, और
मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि जितना सीखते जाओ उसके बाद में समझ इतनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ज्यादा समझ आ जाता है कि आपको क्या नहीं आता, क्या नहीं पता, तो आप इसलिए और ज्यादा सीखने की कोशिश करते हो। तो मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट है कि यहाँ से हमें सीखने को और बहुत मिलेगा, और खासतौर से जो मीडिया है उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है और भी रहेगा। इतना अपनी तरफ से प्रॉमिस कर सकते हैं कि हमारे हमेशा कोशिश रहती है कि जितने लोग हमारे साथ में काम करें कि हम अच्छा एक्सपीरियंस दें, अच्छा खाना दें, और उसके साथ में जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो लोगों के साथ में शेयर कर सकें। कोई रेस्टोरेंट हो या खाना हो, खाना सिर्फ ऐसे नहीं बनता, खाने के लिए भाव चाहिए होते हैं, खाने के लिए जो भाव है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर मैं कहूँ कि मेरी सक्सेस में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो मेरे खाना बनाने की कला का नहीं है, वो मेरी वैल्यूज़ हैं जो बड़ों से मैंने सीखी, तो ये जो है ये ज़रूर मैं कहूँगा कि हमारे इस रेस्टोरेंट से और उन वैल्यूज़ को हम बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे। जैसे कुछ चीज़ें हैं, शुरू में हमने कभी भी आज से नहीं, मैं मतलब जब भी हमने रेस्टोरेंट पहली बार भी खोला था तब भी एक था कि हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं इस्तेमाल करते, कि रंग हो गया ऐसी कोई चीज़ ही नहीं, कोई कभी भी नहीं। मतलब जैसे हम मुझे याद है कि मैं 5-star होटल में काम करता था और तब भी मैं मुझे बड़ा अजीब लगता था शुरू में, यूनियन लेवल पर था उतना तब कंट्रोल नहीं था, जैसे कंट्रोल आया तो मैं होटल्स में भी सारी चीज़ों मैंने बंद कर दी थी कि नहीं अभी तो टमाटर नहीं मिलते ना, बहुत महंगे मिलते हैं तो रंग डाल के वो नहीं हो सकता। तो हमने आज से नहीं, जब से रेस्टोरेंट खोले हमने कभी भी हमने उन चीज़ों में विश्वास नहीं किया। अभी भी जितनी चीज़ें हमारे यहाँ पर बनती हैं, चाहे हमारा छोटे से छोटा ब्रांड हो, फ्रेशनेस के ऊपर, सीजनैलिटी के ऊपर 100% हम लोग पूरा विश्वास के साथ में कि जब तक वो चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि खाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मजाक नहीं है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि खाना जो है हम इस तरह से बनाएं कि हमारे परिवार वाले जो हैं वही खा रहे हैं। रेस्टोरेंट में एक और चीज़ कहता हूँ, मुझे कल बहुत अच्छी बात पता चली कि सऊदी अरेबिया में अब एक पिछले साल से नया रूल निकला है कि जो किचन है That should be open. Kitchen मतलब वो दिखनी चाहिए। और ये मैं कुछ सालों से मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि रेस्टोरेंट में जिसमें भी जाओ ना, अगर वहाँ पर लोग किचन ना देखने देना उस रेस्टोरेंट में खाना बनाओ, इसका मतलब वो किचन से शर्मा रहे हैं आदमी, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी ये होना चाहिए, रूल बन जाना चाहिए। तो मतलब क्योंकि खाना मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उसमें मतलब कोई हाइजीनिक तरीके से नहीं कर रहे। देखिए जो सड़क पे कर रहा है वो लोग आँख खोल के कर रहे हैं, वो सामने कर रहे हैं, नाली के सामने तो लोगों को पता है कि वहाँ पे कर रहे हैं, अब उनकी चॉइस है कि नहीं कर रहे। लेकिन जो छिपके जो चीज़ें होनी ना वो गलत है मेरे हिसाब से। देखो एक तो है कि सामने कर रहा है सड़क पे, उनको पता है, अब इसकी चॉइस है बिल्कुल ठीक है, लेकिन बंद कमरे में कुछ गड़बड़ करना वो गलत है। तो ये दहलो चिली में क्या हम सारे हमारे जितने ब्रांड्स हम कोशिश करते हैं कि जितना शेयर कर सकें उतना शेयर करते हैं, और इतना ही नहीं कि हम सिर्फ हम अपनी रेसिपीज भी शेयर करते हैं। लोग क्या करते हैं कि घर पे बना लेंगे लोग, हम कहते कोई बात नहीं बनाओ ना, बहुत अच्छी बात है। तो शुरू में हमने जब करे तो हमारे काफ़ी सारे ओनर्स जो पार्टनर कहते हैं अरे आप अपनी रेसिपी बता देंगे, रेस्टोरेंट की रेसिपी बता रहे हैं, फिर हमारे यहाँ कौन आएगा। देखो ये जो ना लोग आते हैं हमारे पास में, हमारे परिवार का हिस्सा है, परिवार वालों से तो हम कुछ छुआ नहीं सकते, तो ये तो हमने करना ही करना है। एक्चुअली वो हमारी मतलब जो द येलो चिली कुक बुक है, वन ऑफ आर बेस्ट सेलिंग बुक्स, और
जो लोग लोग खरीदते हैं, चाहे वो येलो चिली की चीजें बनाए भी, जब किसी को खिलाते हैं तो बताते हैं अरे ये वो येलो चिली वाली, तुम्हारी मार्केटिंग अलग से कर रही है। तो हमें तो शेयर करने का आज तक फायदा ही हुआ है, और इसी तरह हम ऐसे ही करते हैं, गलत सही कोई हमें किसी को हम फॉलो नहीं किया। मुझे जब भी मैंने काम शुरू किया, मुझे आज तक कोई ऐसा पता ही नहीं था कि ये देख के ऐसे कर लो। हाँ, मैं जो करता हूँ बहुत सारे लोग वो देख के वो कर लेते हैं, अच्छी बात है, और मुझे तो कभी ऐसा पता ही नहीं चला। तो गलत या सही जो किया खुद ही किया है, और आगे भी ऐसे ही करते रहते, उम्मीद है कि ठीक हो। बाकी बाकी तो जो लोग आते हैं रेस्टोरेंट का बिजनेस बातें करने से नहीं होता, ठीक काम करने से लोग आते हैं। जो खाना खा के जाएगा, पसंद आएगा तो वापस आएगा, 10 को बताएगा, नहीं पसंद आएगा तो 50 को बताएगा। That is the business of restaurant. बाकी आपने कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना हो। बहुत सारे हैं जी, जो लास्ट ये तो करना ही है, जो अभी तक बाकी जो पूरा करना था। देखो जी, मुझे तो वो दिन देखना है जिस दिन हिंदुस्तान का जो झंडा है खाने में सबसे ऊपर लगा। देश की जो राजनीति है जो अभी मोदी लाल चल रही है और लोग अलग अलग डाइवर्ट होते जा रहे हैं, तो ऐसा क्या खाने का एक रेसिपी बना दी कि वो सब खाएं और समझें कि हाँ अब देश में ये होना बाकी है। तो मेरा सवाल है कि राजनीति का तड़का क्या लगना चाहिए? मेरे ख्याल से खाने का काम राजनीति में बहुत होता है, मेरे ख्याल से उनको व्रत करना चाहिए। जितने राजनीति के उनको व्रत करना चाहिए। अब थोड़ा सा मिर्चे आई ना, आप पता चल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा तो पता चलना चाहिए ना। हाँ, थोड़ा कम कर दिया ना, कंट्रोल कर लेते हम। मेरा तो पता नहीं जिसके अंदर पहले कितना नमक डाला हुआ, हाँ कितना नमक डाला हुआ, पर कोई बात शेफ को नहीं, कोई फर्क नहीं, मैं उतना तो पता चल जाएगा। थोड़ी सोचेंगे हम।
और सिर्फ एक रेस्टोरेंट खोलने की एक टेंशन होती है, वो भी बता देता हूँ, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। साल भर बाद पूछूंगा, अभी तो लग रहा है वैसा। साल भर बाद इसलिए, मतलब अगर वॉक करने की आदत नहीं है ना तो अभी से डाल दो, जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा मिर्चें आई ना टेस्टिंग, और कुछ भी बोलो, थोड़ा सा तो येलो चिली है, खाना तो टेस्टी है। कुछ भी नहीं है, बोल देते खाना टेस्टी है। क्या करोगे, कट खाओगे तो सही। पता नहीं इसके अंदर पहले कितना नमक डाला हुआ, हाँ कितना नमक डाला हुआ, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उतना तो पता चल जाएगा। बस सिर्फ एक रेस्टोरेंट खोलने की एक टेंशन होती है, वो भी बता देता हूँ, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। साल भर बाद पूछूंगा, अभी तो लग रहा है वैसा। साल भर बाद इसलिए, मतलब अगर वॉक करने की आदत नहीं है ना तो अभी से डाल दो, जरूरत पड़ेगी। नाना कर टेस्टिंग, और कुछ भी बोलो, येलो चिली है, खाना तो टेस्टी है। ये कुछ भी नहीं है, बोल देते खाना टेस्टी है। तो इसलिए क्या करोगे, मतलब खाओगे तो सही। बेटा
Yeah, that's it.